मनुष्य के जीवन का चालक है भय। मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। जीवन में जिन मार्गों का हम चुनाव करते हैं वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं। किंतु क्या ये भय वास्तविक होता है? विचार कीजिए। भय का अर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना। किंतु समय का स्वामी कौन? ना तो हम समय के स्वामी हैं, ना हमारे शत्रु या प्रतिस्पर्धी। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या यदि कोई आपको हानि पहुंचाने के लिए केवल योजना बनाता है, वो वास्तव में आपको हानि पहुंचा सकता है? नहीं। किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचाता है। क्या ये सत्य नहीं? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है। किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उससे विपरीत कार्य करता है। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है, तो मन अवश्य ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता, अकुलाता रहता। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख? जबकि धर्म पे चलने वाले, अच्छा कार्य करने वाले सब चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं सुख, अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं, अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है।
हर्म से सुख नहीं, हर्म स्वयं सुख। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो, और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है, अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है, तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है। प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था, उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है? जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं। और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं, केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा।